तरवी बीपीएससी का फॉर्म आया है, ठीक है। तो उसके लिए हर स्टूडेंट जो है कल मांग किया कि सर आप भी जो है कुछ बताइए। तो देखिए, हम इसमें बता दें कि लगभग 1900 के आसपास सीटें आया है। एक बड़ी समस्या इसमें है लड़कों की आयु को लेकर, और ये समस्या केवल बीपीएससी में नहीं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, जो भी बिहार में एग्ज़ाम है, वो सबसे बड़ी समस्या है एज को लेकर। और यहाँ जो एज है जनरल का वो 37 है, जबकि और स्टेट में अगर जाइएगा तो 42 है जनरल का। वही हाल ओबीसी का है, वही हाल एससी और एसटी का है, ठीक है। और सब में जो है 5 साल का छूट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन बाद जो है बीपीएससी आता रहता है, तो ये 5 साल का छूट सभी में मिलना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार से कल दिल्ली में लड़के मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया है। तो अब क्या करना चाहिए लड़कों को, उनके लिए हम बताना चाहते हैं, जो पटना में भी कल गए थे माननीय नीतीश कुमार से मिलने के लिए। तो लड़कों को समय नहीं दिया जा रहा है। एकमात्र दिलीप कुमार यादव जो लड़कों का उम्र बढ़ाने के लिए या किसी प्रकार की समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो पटना में रहते हैं, तो उनके जाने से काम नहीं चलेगा। या हम लोग जैसे यूट्यूबर जो हैं वो अगर ये कहे कि नहीं एज बढ़ना चाहिए, तो ऐसे काम नहीं चलता है। जो लोग को एग्ज़ाम देना है वो स्टूडेंट जाके खुद मिले उनसे। अगर इस बार वो समय नहीं देते हैं तो अगला विधानसभा का चुनाव है 25 में, तो आपके हाथ में वोट का पावर है, चूँकि 18 साल से जो ऊपर है वो वोटिंग कर सकता है। तो आप लोग उनको अपने वोट का असर दिखाएं, चाहे वह जनरल हो, ओबीसी हो, या एससी या एसटी हो, या महिलाएं हैं, आप अपने वोट बैंक का ताकत दिखाएं। स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर काम करें। पटना में बहुत सारे फेमस टीचर हैं, लेकिन स्टूडेंट की कोई समस्या नहीं सुन रहा है। और हम पहली बार आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर आप सभी स्टूडेंट जो 17 बीपीएससी देने जा रहे हैं 17वीं, अगर आप सब हमसे मिलने आएँ, तो हम पटना जाकर नीतीश कुमार से ज़रूर मिलने का कोशिश करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार को आपकी समस्या को ज़रूर हम बताएंगे कि ये हमारे राज्य में समस्या है। चूँकि बाहरी स्टेट के लड़के आकर क्या करते हैं कि यहाँ पर नौकरी पा लेते हैं, और हमारे स्टेट के लड़के नौकरी उनको नहीं मिलता है। और जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो पश्चिम बंगाल जैसा हाल होता है। पश्चिम बंगाल में एक लड़का टीचर का एग्ज़ाम देने गया था, उसको मारा गया था, और वो बिहार का ही रहने वाला है। ये हाल की घटना है। तो ये जो न्यूज़ चैनल हैं जितने भी बड़े बड़े, उनको भी कहेंगे कम से कम एक बार लड़कों की समस्या को भी आप दिखा दीजिए कि कितनी बिहार में लड़कों की स्थिति दयनीय है। एक तो समय पर फॉर्म नहीं आता है, फॉर्म आता है तो सारे फॉर्म में अधिकतर जो है बाहरी लोग अपना सीट ले जाते हैं। कम से कम बिहार के लड़कों को या बिहार के बच्चियों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में भरा जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, हमारे बिहार के बच्चों को या बच्चियों को। इसलिए सरकार से ये हम मांग करते हैं कि एज भी बढ़ाया जाए, और जितने भी एग्ज़ाम के फॉर्म हैं उसको निकाला जाए, और इलेक्शन से पहले उस सारे फॉर्म जो भराए जाएं उसका एग्ज़ाम लिया जाए, और उस एग्ज़ाम को क्लियर करके बिहार के लड़कों को नौकरी दिया जाए। ये हम माननीय नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं। धन्यवाद।